हरेकृम जानरंधस ज्ञानंजलशाक चक्षुन्मीत ये तस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन्यमोभ स्थापित येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददा स्वदंतीकम नमो विष्णुपदा कृष्ण प्रेषा भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीनिति नामिनिने नमस्ते सारस्वती देवगौरवाणीप्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे जय चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम, राम हरे हरे नमो महदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण क्रिश्न चैतन्य नामिने कृष्णचैतन्यना गौरु नम पंचातात्मक कृष्ण स्वरूपकम् भक्तावतार भक्ताख्यम नमा भक्तशक्तिकम् हे कृष्णा करुणा सिंधु हे गोपेश गोपिका कान्तराधाकान्तनमोऽसुते तप्तकाञ्चन राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुता देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय प्रभो नित्यानन्द श्री, गदाधर श्री भक्त श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे प्रपन्न प्रपन्नपारी जाताय तो ज्ञान मुद्रा कृष्णाय गीतामृते दुहे नमः एकम शास्त्र देव की पुत्र गीतो देंो देवीपुत्र देव एक मंत्रस्तमानी वाणी परमा तस्व प्रपन्न पारिजाताय तो ज्ञान मुद्रा कृष्णा गीतामृते दुहे नम अज्ञा ज्ञा अशुभम यमया कृत क्षंतमर्हसी तत्सव दस नई ग्रहण मम हरे कृष्णा तो आज से हम गीता की जो श्रृंखला है संपूर्ण गीता कोशिश करेंगे कि उसका जो फ्लो है जानने के लिए उसके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हिंदी में तो सर्वप्रथम अज्ञानत अथवा ज्ञान जो मैं श्लोक उच्चारण किया कि ज्ञान से या अज्ञान से अज्ञान अथवा ज्ञान अशुभमयृतम या, या मेरे से कुछ कुसेवा हो जाती है या कुछ गलती हो जाती है तो इसके लिए पहले से ही क्षमा याचना चाहता हूँ दास्य न ग्रहण ममार क्योंकि भगवान के दास बनने के हम सब प्रयास कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत तो भूल हो ही जाती हैं भगवत गीता सबसे विख्यात ग्रंथ है ये श्रीमद् भगवत गीता और शिल प्रुपा जी का जो कमेंट्री जो यथारूप गीता है वो विश्व की सबसे विख्यात भगवत गीता है तार तो आज उसके आधार पे क्योंकि शिला प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता में तात्पर्य दिए हुए हैं वो कोई अपने मन से दिए नहीं हैं संप्रदाय ब्रह्म गौड़ी माधव संप्रदाय भगवान कृष्ण ज्ञान देते ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी ज्ञान देते हैं नारद मुनि जी को नारद मुनि देते हैं व्यासदेव जी को उनके ही परंपरा में शिल माधवाचार्य जी और उनके ही संप्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु जो भगवान के अवतार हैं और उनके ही संप्रदाय में ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिलाप्र जी इसलिए जो भी ज्ञान प्रदान कर रहे हैं उनके ग्रंथ द्वारा ये सबसे प्रामाणिक माना जाता है इसमें कोई भी दोष लेश मात्र भी नहीं होगा तो भगवत गीता सबसे विख्यात ग्रंथ है पर बहुत कम लोगों को ये समझ आता है पहले तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं इसको बहुत लोगों के पास भगवत गीता तो होती है पर बहुत कम लोग उसे पढ़ते हैं और उनमें से बहुत कम लोग होते हैं जो पढ़ के कुछ समझ लेते हैं और उनमें से कोई विरला व्यक्ति होता है जो पढ़ने के बाद समझने के बाद अपने जीवन काल में उसको उतारते हैं तो वो श्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं जो भगवत गीता के एक भी उद्देश्य एक भी निर्देश को भगवान के अपने जीवन काल में उतारता है तो भगवत गीता जिसमें सात सौ श्लोक हैं और व्यासदी जी ने जो सभी शास्त्रों को संग्रहित किया है जिससे चार वेद हैं एक सौ आठ उपनिषद है अठारह पुराण हैं इतिहास है उप पुराण हैं है, वेदांत सूत्र हैं ऐसे अनेक शास्त्र हैं पर भगवत गीता जैसे शास्त्र में कहा जाता है श्रुति और स्मृति में विभाजन किए गए हैं भगवान के मुख से जो आया हुआ ज्ञान डायरेक्ट ज्ञान जिसे कहते हैं उसे कहते हैं श्रुति श्रुति ज्ञान कहते हैं उसे श्रुति शास्त्र कहते हैं और उन श्रुतियों को क्योंकि भगवान का जो डायरेक्ट वचन है वो सूत्र में होते हैं वो इतना साधारण नहीं होता है कि समझने के लिए आसान हो आसान हो तो उसे समझाया जाता है ऋषि मुनि द्वारा तो जब ऋषि मुनि जब उसको समझाते हैं वो पुराणों से आधार पर समझाते हैं जैसे सिले व्यासदेव जी ने भी वेदांत सूत्र इसकी रचना की है बहुत सारे इतिहास हैं इतिहास यानी जो पहले काल में जो घटा हुआ जो जो चीज़ें हैं जो इंसिडेंसेस है जो सिचुएशंस है जो उसको फिर से हम सुनते हैं ताकि उसे कुछ सीख सकें जैसे सिर्फ कोई एक बात अगर कुछ कहता है किसी को वो शायद समझ ले या ना ले पर जब किसी को स्टोरी फॉर्म में बताया जाता है तो उसको अच्छी तरह से वो ग्रहण कर सकता है इसलिए इतिहास पुराण तो श्रुति और स्मृति स्मृति यानी पुराण शास्त्र और श्रुति यानी चार वेद जो है वो श्रुति में आते हैं एक सौ आठ उपनिषद श्रुति में आते हैं तो श्रुति और स्मृति जो भगवदगीता क्या है जिसे कुछ लोग पता भी है कि भगवद्गीता दोनों है श्रुति भी है और स्मृति भी है स्मृति इसलिए है क्योंकि महाभारत पुराण का ये भाग है भीष्म पर्व का ये भाग है और श्रुति इसके लिए क्योंकि भगवान से ये डायरेक्ट ज्ञान प्राप्त होता है भगवान के मुख से जैसे भगवान के चरणों से आई हुई गंगा है जितनी पवित्र है सभी सभी पापनाशी पापनाशिनी गंगा कहते हैं जिसे और भगवत गीता जो है वो भगवान के मुख से आई हुई है तो वो भी सभी पापों सभी जीवों का उद्धार कर सकते इसमें इतनी क्षमता है तो इसलिए क्योंकि भगवान ने कहा गया ये ज्ञान है तो इसलिए श्रुति और क्योंकि पुराणों का भी भाग है ये भगवत गीता जो है सबसे अहम भाग है महाभारत का इसलिए स्मृति तो श्रुति और स्मृति दोनों भी है ये सबसे खास ग्रंथ है जिसका विशेषता ये है कि ये दोनों है श्रुति और स्मृति है और जैसे हम रोज़ स्नान करते हैं स्नान क्यों करते हैं हमारा शरीर का मल को कम करने के लिए शरीर को मल को निकालने के लिए उसी प्रकार हमको गीता रूपी गंगा जल है गीता रूपी जो अमृत है उसमें भी स्नान करना चाहिए मलने मोचने पुमसम जल स्नानम दिने दिने संसार मलनाशनम सुकृत गीता अमृतम तो गीता अमृत रूपी जो अमृतमय जो धारा है उसमें अगर कोई स्नान करता है तो जन्म जन्म से जो मल लगा हुआ है व्यक्ति के चेतना में उसको वो निकाल सकता है तो भगवत गीता में किस ज्ञान तो जो भी लोग सुन रहे हैं इसको ये समझना चाहिए कि गीता किन विषयों पे बात करती है तो पहला विषय है भगवत गीता जीव के बारे में बताती है आत्मा के बारे में बताती है एक जीव का अस्तित्व क्या है जिसे रियल आइडेंटिटी कहते हैं हम अपने आप को शरीर मानते हैं हम अपने आप को भारतीय मानते हैं या हम अपने आप को कोई ये वर्ण का माध्यम ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है या शूद्र है या मैं ऊंच जाति का हूँ न नीच जाति का हूँ मैं बिजनेसमैन हूँ मैं इंजीनियर हूँ तो अपनी जो आइडेंटिटी है जो अस्तित्व है वो हम अलग 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 समय में अलग अलग बताते हैं पर गीता जो है व्यक्ति का जो अस्तित्व है जीव का जो अस्तित्व है वो प्रत्यक्ष रूप में प्रकट कर देता है तो ये सबसे विशेषता है इसमें कि भगवद्गीता सबसे अहम विषय पे बात करती है जो अन्य शास्त्र कभी कभार करते हैं या करते ही नहीं हैं बहुत सारे भौतिक शास्त्र है अनंत शास्त्र बहुलाश विद्या अल्पम च कालम बहुविघ्नता च यत्सारभूत तदुपासनीयं हमसम यथा क्षीरम यथाबुम अनंत शशास्त्रम बहुलाश्य विद्या कैसे कितने शास्त्र हैं अनंत शास्त्र है इसमें कोई गिनती नहीं है सागर जैसे सागर अनंत है उसको कोई लांग नहीं सकता उसी प्रकार शास्त्र कैसे अनंत शास्त्र हैं बहुलाश विद्या और उसमें भी बहुत सारे विद्याएं हैं ज्योतिष शास्त्र है गणित शास्त्र है संगीत शास्त्र है भूगोल शास्त्र है अलग अलग शास्त्र देखते हैं हम कभी कभी कोई व्यक्ति पी करता है एक शास्त्र में तो कितने साल वो अपने उसमें गवा देता है कोई एक विषय में स्पेशलाइज्ड बनने के लिए एक पी करने के लिए अनंत शास्त्रम बहुलाष्ट विद्या च कालम च तो इतने सारे शास्त्र हैं क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े च काल और हमारे पास जो समय है वो अल्प आयु है हम ज़्यादा साल जी नहीं सकते यत्सारभूतम अनंत शास्त्रम बहुलाश विद्या अल्पमच कालम बहुविघ्नताछ है क्योंकि और इसमें हमें पास समय तो कम है पर इसमें विघ्न भी बहुत सारे है। हैं जैसे कोई गृहस्थ है मान लीजिए तो वो पूरे दिन तो शास्त्र नहीं पढ़ पाएगा उसे काम पे भी जाना है उसमें पर्सनल लाइफ में देखना है बच्चों को ध्यान देना है पत्नी पे ध्यान देना है तो ये सब करते करते क्या हो जाए बहुत सारे विघ्न आ जाते हैं आत्मक साक्षात्कार के पथ पर तो ऐसे व्यक्ति ने क्या करना है यत सार उसको सार ग्रहण करना है जिस प्रकार हंस पक्षी जब दूध और पानी को जब मिलाया जाता है हंस पक्षी क्या है उसमें खासियत यह है इसमें विशेषता ये है कि वह जल और दूध में से मिला हुआ जो जो पदार्थ है उसमें से सिर्फ दूध ही ग्रहण कर देता है और पानी को जल को छोड़ देता है तो वैसे व्यक्ति को होना चाहिए अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पम च कालम बहुविघ्नता च इसलिए सार, सार ग्रहण करना चाहिए जिस प्रकार हंस पक्षी की तरह ना कि कौवे की तरह कौवा क्या करता है हर वो चीज़ खाता है जो नहीं खानी चाहिए जैसे शास्त्र में कहा करता है कि निर्मती यह उशिक कि कौवा का क्या काम है वो जो जहाँ पे सड़ा हुआ चीज़ है ख़राब चीज उसको ग्रहण करता है तो जो भौतिक लोग भी अगर वही चीज़ करने लगे अगर मनुष्य भी वही करें हर चीज़ वो पढ़े रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ेंगे रोज़ मैगजीन्स पढ़ेंगे सोशल कम्युनिटी वेबसाइट्स में देखेंगे वहाँ पे क्या आर्टिकल्स पढ़ेंगे उनके चैट बॉक्स पढ़ेंगे तो ये सब करेंगे तो वह कैसे कौवे की तरफ उनकी चेतना है जैसे कोई न्यूज़ देखता है तो न्यूज़ में हम बारम बार वही चीज़ देखते हैं देखा जाएगा तो सिर्फ नाम बदलते हैं चीज़ें वही होती हैं किसी का मृत्यु होता है किसी का एक्सीडेंट होता है कोई रोग में मर रहा है तो वही चीज़ हो रही है क्रियाएँ वही हैं पर सिर्फ नाम बदल रहे हैं इसलिए अंग्रेजी में कहावत है देर इज़ नथिंग न्यू इन द न्यूज़ सेम थिंग्स आर हैपनिंग विद डिफरेंट नेम्स इसमें न्यूज़ में कुछ नयापन नहीं होता है वही चीज़ होती है दूसरों ना अलग नाम बदलते हैं सिर्फ तो भगवत गीता ऐसा ज्ञान नहीं है भगवत गीता एक दिव्य ज्ञान है इसको जितने बार भी व्यक्ति पढ़ते हैं उसमें नया नया रस से प्राप्त होता है नवा नवा रस उद्यतुम रंतुम असित इसमें जैसे भक्ति की ये विशेषता है भगवान की लीलाओं में ये विशेषता होती हैं भगवान के निर्देश में बारंबार पढ़ने में एक ऐसी विशेषता है कि जितने बार पढ़ेंगे जितने बार सुनेंगे उसमें एक नया स्वाद एक नावीण्य व्यक्ति को प्राप्त होगा यही लक्षण है आध्यात्मिक वस्तु का एक पदार्थ जो भौतिक पदार्थ और आध्यात्मिक वस्तु में यही भेद होती हैं कि जो भौतिक पदार्थ होते हैं उसका आदि होता है और अंत होता है उसके सुख का और जो आध्यात्मिक होता है वो अनंत सुख प्रदान करता है यही खासियत है इसलिए ऋषभ भगवान अपने पुत्रों को कहते हैं नाहम देह देह भाजाम न लोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यन पुत्र का ये न शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनम इसलिए जो मनुष्य जीवन जो व्यतीत कर रहा है सिर्फ रोज रोज काम पे जाना परिवार जीवन व्यतीत करना सिर्फ यही नहीं होता है तो ऋषभ भगवान क्या कह रहे हैं तपो दिव्यंग पुत्र का ये न सत्वम कष्ट करना है काम करना है पर किस हेतु के लिए करना है तपो दिव्यम दिव्यता दिव्य स्थिति प्राप्त करने के लिए शुद्धेद यस्मात जिससे क्या होंगे व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा जिसकी चेतना शुद्ध हो जाएगी ऐसा तप करें जिससे उसकी चेतना शुद्ध हो जाएगी और चेतना शुद्ध होने के बाद ब्रह्म सौख्यम तुम तो ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी ऐसा सुख जो अनंतम है जिसका कोई अंत नहीं ये है आध्यात्मिक वस्तु की विशेषता और वही भौतिक विशेष भौतिक जो वस्तु है पदार्थ है उसमें क्या है उसमें आदि है अंत है यही समस्पर्श जाब दुःख ही होना ये बते आधी अंत बंत कौन ते नतेशु रमते विदाह फिर से भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वो सुख जो इंद्रियों से पाया जाता है अपने आँखों से कानों से जीभा से ये जो सुख है जो हम भोग करते हैं अलग अलग भौतिक वस्तुओं का इसका आधी और अंत है जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसमें कभी भी भाग नहीं लेता है तो इसलिए आज ये मेरा सौभाग्य समझता हूँ कि भगवत गीता के हम प्रारंभ करने वाले हैं तो पहला अध्याय से हम प्रारंभ करें उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन जैसे मैं अभी मैं इसके बारे में बता रहा था कि भगवत गीता किस चीज़ के बारे में बताई कौन से विषय के बारे में बताती है तो वो है जीव के बारे में आत्मा के बारे में तो ऐसे और चार विषय क्या हैं पहला विषय है जीव दूसरा विषय है ईश्वर यानी भगवान तो जीव का ज्ञान जैसे कुछ आध्यात्मिक पद पर चलने वाले जो व्यक्ति हैं जो साधु समाज है वो सिर्फ ब्रह्म के बारे में जीव के बारे में सोचता रहता है पर ये ज्ञान क्या है पर्याप्त नहीं है सिर्फ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है जब तक व्यक्ति को पर का ज्ञान नहीं होता है व्यक्ति का ब्रह्म ज्ञान सदैव अधूरा हो जाएगा रह जाएगा अगर उसको परम ब्रह्म की ज्ञान नहीं ज्ञान नहीं है इसलिए अर्जुन कहते हैं परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमा धवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम देवम अजम विभुम हे भगवान कृष्ण आप ही परम ब्रह्म है परम धाम है पवित्रम है आदि देव हैं ना आपसे पहले कोई ना आपके समान कोई है शक्तिशाली अजम विभुम और आप अजन्मा हैं तो भगवान कृष्ण जो है परम ब्रह्मण है तो खुद पर ब्रह्म क्या कर रहे हैं परम ब्रह्म का ज्ञान देने वाले हैं ये गीता की विशेषता है जो खुद भगवान अपने आप के बारे में बताते हैं जीव के बारे में बताते हैं जीव ईश्वर और क्या है प्रकृति तो ये जो प्रकृति देखते हैं ये जो ब्रह्मांड हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं जिस भूलोक में रह रहे हैं उसके बारे में भी चर्चा होती है गीता में ये तीसरा विषय जीव पहला विषय दूसरा है ईश्वर तीसरा है प्रकृति चौथा है काल काल यानी समय जिसे कहते हैं हम तो काल काल होने की वजह से है हर चीज का आदि होता है और अंत होता है काली सब चीजों का नाश करते जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं कालोस्मी लोकशय कृत प्रवृद्ध लोकन समाह यवृत्त ऋतेपि तम न भविष्य सर्वे ते अवस्थिता प्रत्यनिकेश योद्धा भगवान अर्जुन को समाश समझते हैं अर्जुन मैं काल रूप में सभी को ग्रस्त करता हूं उसी प्रकार इस युद्ध में जितने भी योद्धा हैं उन सभी को मैं ग्रस्त करने वाला और सिवाय पांडवों को छोड़ के तो काल क्या कर देता है सभी को नष्ट करता है जिस जिस वस्तु पे काल लागू होता है वो नष्ट होने वाले तो जैसा हमारा शरीर ये शरीर जीर्ण होने वाला है एक दिन तो ये जीर्ण किसके वजह से हो रहा है काल का प्रभाव की वजह से और काल का प्रभाव किस पर नहीं है आत्मा पे नहीं है काल का प्रभाव भगवान पे नहीं होता है तो क्या विषय बता है जीव ईश्वर प्रकृति काल और आखिरी है कर्म तो कर्म का जो विशेषता है कर्म का जो रोल क्या है कि जीव जो जन्म लेते हैं इस जीव संसार में इस प्रकृति में अलग अलग योनि में करते हैं वो अपने कर्मों की वजह से होता है तो ये कर्म ये कर्म एकमेव वैसा कर्म एकमेव एक वैसी चीज है जो नित्य नहीं है वो बदलते रहते हैं और बाकी सभी जो चार विषय हैं वो नित्य हैं तो गीता जो है वो इन पांच विषयों विशो, पर पा आधारित है तो पहला है जीव दूसरा है ईश्वर तीसरा है प्रकृति चौथा है काल और पांचवा है कर्म तो कोई भी आप भगवद गीता का श्लोक उठाएँ तो उसमें लगे ये एक ये पांचों विषयों में से कोई एक विषय में अगर चर्चा हो रही है या या दो विषयों में या तीन विषयों में या सभी विषयों में ये चर्चा हो रही है तो ये पांच विषयों के अलावा और कुछ नहीं इस पांच विषय में ही सब कुछ आता है अभी सभी आपके सभी प्रश्नों के उत्तर ये पांच विषयों से जुड़े होते हैं तो इसलिए कहता है क्या कहा जाता है कि भगवदगीता जो भी जो भी कोई पढ़ता है उसे सभी प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और कभी भी कुछ दुविधा होती है तो कोई भगवदगीता पढ़ता है उसे उत्तर मिल सकता है क्यों क्योंकि ये पाँच विषयों के बारे में चर्चा हो रही है जो कि हमारा जीवन इस पाँच विषयों के आधारित नहीं है तो इसलिए प्रथम अध्याय भगवद्गीता का हम प्रारंभ करते हैं उससे पहले जो गीता की महिमा है जो जिसे जैसे मैं एक महिमा बताया कि जिस प्रकार मलिमोचने पुमसाम जल स्नान जिस प्रकार कोई स्नान करता है जल से वैसे ही अगर भगवत गीता के जल रूपी अमृत रूपी अगर कोई स्नान करता है तो उसका जीवन का उद्धार हो सकता है और इस प्रारंभ में मैंने एक श्लोक बोला था कि एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम इस जगत में अखिल जगत में अगर कोई एक शास्त्र है अगर पढ़ना है तो वो है देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव और वो शास्त्र किसे प्रमाण करता है कौन सबसे सर्वोत्तम भगवान है देव की पुत्र एव जो देव की भगवान कृष्ण है उसकी आराधना करनी चाहिए हुँ? एकम शास्त्र देवी की पुत्र गीतम एको देव देव की पुत्र एव एकम मंत्रस्तस्य नाम और एक मंत्र का जप करना है तो भगवान कृष्ण का नाम का जप करना है और कर्मा पेकम अगर कुछ करना है काम करना है तो क्या करना है तस्य देव से सेवा उसी भगवान की सेवा जिसका हम शास्त्र पढ़ रहे हैं इसका नाम का उच्चारण कर रहे हैं एकम शास्त्र देव की पुत्र गीतम एको देव देव के पुत्र एकम मंत्र जिसका मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं ऐसे भगवान की सेवा अगर कोई करता है तो इसका जीवन का उद्धार हो जाता है तो भगवत गीता पढ़ने का तात्पर्य तो क्या है भगवान भगवत गीता पढ़ने का तात्पर्य यही है कि हम भगवान कृष्ण की सेवा में सदैव तत्पर रहे यही इसका सार है अर्जुन प्रथम अगर देखेंगे शुरू में अर्जुन दुविधा में है वो युद्ध नहीं लड़ना चाह रहे हैं पर आखिर में वो देखने वो क्या कह रहे हैं कि करिष्य वचनम तव आप जो कहेंगे मैं वो कहूँ करूँगा तो भगवान के के लिए भगवान के मिशन को पूरा करने के लिए जो अपना योगदान देता है जो कार्य करता है यही अर्जुन का प्रतिनिधित्व कर सकता है जिस प्रकार अर्जुन ने किया वैसे हम भी कर सकते हैं तो इसलिए जब तक हम सिर्फ भगवदगीता पढ़ेंगे उसको रटेंगे पर भगवान के लिए कुछ करेंगे नहीं प्रैक्टिकल सेवा नहीं करेंगे तो भगवदगीता पढ़ने का कुछ लाभ नहीं हुआ सरासा जिस प्रकार अर्जुन ने भगवत गीता सुन ली तो वो घर नहीं गए वो युद्ध के लिए तैयार हो गए करिष्य वचनन तव मेरा मोह नष्ट हो चुका है तो सर्वप्रथम हमारा मोह नष्ट करने के लिए भगवत गीता है भगवत गीता का उद्देश्य है जो हमारा मोह है हमारे शरीर प्रति अहम निजा पर व्यक्ति गणाना लघु चेतसाम ये मेरा है ये मेरा शरीर है ये मेरी पत्नी है मेरे बच्चे हैं ये मेरी फैमिली है मेरा समाज है मेरा देश है ये जो भौतिक धारणाएं हैं इससे परे जाने के लिए गीता है भगवद्गीता हमको मोह से बचाती है नष्ट मोह स्मृतिर्ल्धा और हमको जो खोई हुई जो स्मृति है जो आत्मा की जो चेतना है खोई हुई उसको फिर से जागृत करती है ये भगवद्गीता नष्टम ओह स्मृतिर्ल्धा त्वत्सादन मयू और ये सिर्फ हो सकता है भगवान कृष्ण की कृपा से तत्प्रसादन अच्युत अच्यूत है वो भगवान जो कभी भी च्युत नहीं होते हैं कभी भी अपने कर्तव्य पथ से वह हटते नहीं हैं कभी भी भगवान अपने भक्तों को रक्षा करने में पीछे नहीं हटते हैं ऐसे भगवान कृष्ण की कृपा से ही कोई भक्त मोह से दूर हो सकता है मोह से बाहर निकल सकता है तो नष्ट मोह स्मृतिलब्धा तत्प्रसादन मयोचित शीतोष्मी संदेह जब मोह नष्ट होगा तभी हम अपने कर्तव्य पथ पर अड़िग हो जाएंगे हमारा क्या कर्तव्य है जीवन में ये तब पता चलेगा जब मोह नष्ट हो चुका है जब मोह की पट्टी ही लग चुकी है हाथ पे आंखों में तो क्या होगा हमें दिखाई नहीं देगा तो जब तक मोह की पट्टी व्यक्ति से निकलती नहीं है हम निज परवरती ये मेरा है ये उसका ये मेरी पत्नी है ये ये जब ये धारणाएं से हम बाहर नहीं आते तब तक हम उदार चरित्र को प्राप्त नहीं कर सकते उदार चरित्राणाम वसुधैव कुटुंबकम जो उदार चरित्र वाला व्यक्ति है उसके लिए क्या है सारे संसार उसके लिए फैमिली जैसा है जिस प्रकार भगवान इस संसार के बारे में सोचते हैं वो जीव भी उस संसार के बारे में सोचने लगता है तो ये सामने आ जाता है इसे नष्ट मोह स्मृति लद्दा तत्पसादन मयोचित शीतोष्मी गदेव करीश्य वचनंत व आप जो कहेंगे मैं वो अभी करने वाला हूँ ये अर्जुन कहते हैं जब ये धारणा व्यक्ति में आ जाती है जब ये निश्चय व्यक्ति में जब आ जाता है तभी हम समझ सकते हैं हाँ इसको गीता समझ में आई है भगवद्गीता समझना यानी श्लोकों को रटना कितना मुझे ज्ञान है कर्मयोग क्या है ध्यान योग क्या है ये सब सिर्फ रटने से आप भगवद्गीता के मर्म को नहीं पकड़ पाएंगे गीता का मर्म यही है भगवान कृष्ण जो चाहते हैं वही चीज़ करना ये भगवान ये गीता का मर्म है एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु आ, साउथ इंडिया में जब, -जब यात्रा कर रहे थे तभी एक ब्राह्मण वहाँ भगवत गीता का उच्चारण करता है बहुत सारे अनेक ब्राह्मण भी होते हैं वह भी उच्चारण करते हैं श्लोकों का श्लोकों को रटते रहते हैं पर वहाँ पे वो जो एक खास जो विशेष ब्राह्मण होता है उसे ज़्यादा वो पढ़ा लिखा नहीं होता है अपने गुरु ने जो आदेश दिया है उसको पालन करता है कि भगवदगीता पढ़ने बोला है तो मैं पढ़ूँगा पर उल्टा उल्टा सीधा पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको पढ़ना नहीं आता है बुक को कैसे पकड़ना है ये भी नहीं आ रहा था उसे तो ऐसा ब्राह्मण के पास चैतन्य महापुर के वो वो पढ़ पढ़ के उसके आंखों से नयनों में अश्रुध धारा कैसे आ रही है उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है फिर भी तभी वो जब ब्राह्मण के बाद चैतन्य महापुरुष जाते हैं तो उनको पूछते हैं कि क्या क्या सीकरण है आपके आंखों से नये से अश्रु आ रहे हैं और ये जो ये लोग इतने श्लोक रट रहे हैं उनके नयनों से अश्रु नहीं आ रहे आपको भगवान के प्रति इतना प्रेम क्यों आ रहा है तो वो कहते हैं कि मैं जब भी ये भगवद गीता को पढ़ता पढ़ने की कोशिश करता क्योंकि मैंने गुरु ने कहा मैं कर रहा हूँ पर जब मैं ये सोचता हूँ कि कैसे जो परम भगवान कृष्ण परम धाम है पवित्र है सबसे पवित्र हैं उनके समान कोई नहीं है वो अर्जुन जैसे एक साधारण जीव के लिए सारथी बनते हैं उनका उनका अर्जुन को इतना सम्मान करते हैं एक भगवान हो भी अपने भक्तों की सेवा करने के लिए तत्पर है तो ऐसे भगवान की महिमा जैसे उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरे अनयनों से क्या होता है अश्रु धाराएं प्रकट हो जाती हैं तो ये जब चैतन्य महापुरुष सुनते हैं वो कहते हैं कि यही तात्पर्य है यही मर्म है भगवत गीता का तो इसलिए इस मर्म को पकड़ते हुए हम प्रारंभ करते हैं भगवत गीता का पहला अध्याय से पहले श्लोक से पहला अध्याय जिसे कहते हैं कि जो नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण तो सैन्य निरीक्षण का ये जो अध्याय है जिसमें पहला ही श्लोक धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायु माम कह पांडव शुरुवत संजय धित ने कहा है संजय धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया तो पहला प्रश्न करते हैं प्रश्न से ही आप बहुत सारे शास्त्र देखेंगे जो वैदिक शास्त्र प्रश्न से ही शुरू हो जाते हैं वेदांत सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा प्रश्न से शुरू हो रहा है तो वैसे ही ये भी प्रश्न शुरू हो रहा है कि धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि मेरे तथा पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं युद्धस्तरी में जैसे कोई क्रिकेट मैच हो रही है अगर कमेंटेटर्स कहेंगे कि ये दोनों टीम क्या कर रही है फील्ड में तो लोग समय क्या मूर्ख व्यक्ति है उनको पता नहीं क्या क्रिकेट ही खेलेंगे ना तो उसी प्रकार अगर युद्ध भूमि है तो युद्ध ही खेलेंगे ना तो यहाँ पर धृतराष्ट्र की मनोभावना समझनी चाहिए शास्त्र के सिद्धांत शास्त्र के जब श्लोकों को हम जब पढ़ते हैं तो उसका सिर्फ वैसा ही वैसा अर्थ नहीं लिया जाता है उसके भावार्थ को भी पकड़ा जाता है शब्दार्थ के साथ साथ भावार्थ को भी पकड़ा जाता है जो कि बहुत सारे जो सो सोकॉल स्कॉलर्स हैं जो पंडित हैं सो सोकॉल वो लोग क्या करते हैं शब्दार्थ को ही पकड़ के बैठते हैं इसलिए वो भगवदगीता ठीक तरह समझा नहीं पाते हैं तो हमारे शिल प्रूपा जी ने क्या कहा है भावार्थ को ही पकड़ लिया है भगवान का भाव क्या है ये भगवदगीता कहने में तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ यथारूप भगवदगीता में ये विशेषता है तो ये द्विताष्ट्र प्रश्न कर रहे हैं तो इसमें प्रश्न है मनोभाव क्या है धित का कि उनके पूरी आशा लगा के बैठे हैं कि मेरे पुत्र क्या इस युद्ध को जीतेंगे ये भूमि क्या है कुरुक्षेत्र है कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र होने की वजह से क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे धर्म की क्रियाएं हुई थी बहुत सारे यज्ञ हुए थे इस क्षेत्र में तो उस क्षेत्र में जब युद्ध लड़ने वाले हैं तो ऐसा ना हो जाए कि मेरे जो पुत्र हैं जो दुर्योधन हैं उनका मन बदल जाए और युद्ध ना लड़े तो धितष्ट चाहते थे कि युद्ध हो जाए वो चाहते थे युद्ध हो जाए और मेरे बच्चे जो मेरे जो पुत्र हैं वो जीत के आए और उनको ऐसा भी लग रहा था कि शायद इस धर्म क्षेत्र का जो प्रभाव है ये धर्म क्षेत्र जो शब्द है इसका प्रयोग इसलिए किया गया है तो वो समझते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि पांडव लोगों का अगर मन बदल गया तो उन्होंने कहा हमें युद्ध नहीं लेना है ठीक है आपको राज्य लेना हमको कुछ नहीं चाहिए हम चले जाते हैं हो सकता है क्योंकि वह सहनशील है बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं पांडव तो दोनों साइड से वह सोच रहे थे यहाँ पे विचार करने जैसा है एक कुंती माता और माद्री जो पांडू के दो पत्नियाँ थीं ये पांडू ने जब शरीर त्याग कर दिया तभी माद्री जी ने क्या किया सती धारण कर लिया और वो अग्नि में प्रवेश किया उन्होंने तो कुंती माता जो थी उन्होंने क्या किया जो माद्री के जो दो पुत्र थे नकुल और सहदेव और अपने जो पुत्र थे जो भीम अर्जुन और युधिष्ठ थे उनमें सदैव उन्होंने समानता से देखा है उन्होंने कभी भेद नहीं किया था उन्होंने उतना ही प्रेम दिया नकुल सहदेव को कभी कभी तो उनसे ज़्यादा उन पर ध्यान देते थे पर एक तरह आप देखेंगे धित जिनका कर्तव्य था पांडु जाने के बाद पांडवों को अपनाना वह पहले से ही उनमें भेद करने लगे हैं उनसे जलने लगे थे वो चाहते थे कि पुत्र राजगद्दी अगर मिलनी है तो युद्धीष्वर को नहीं मिलनी चाहिए पांडवों को नहीं मिलनी चाहिए दुर्योधन को ही मिलनी चाहिए ये भावना सदैव इनके मन में थी इसलिए वो भेद कर रहे थे कि मेरे और पांडव के पित्र पुत्रों में इस श्लोक में इसलिए आप देखेंगे मामा कहा पांडव अच्छा ये वह भेद कर देते हैं यही पर वो मार खा जाते हैं धित तो इनमें उनकी जो लघु चेतना यहाँ पर प्रकट होती है हम निज पर गणना लघु चेतसा उदार चरित्र नहीं बन सके और एक तरफ कुंती महारानी देखेंगे जो अपने पुत्रों माधुरी के पुत्रों अपना लेती हैं ये उदार चरित्र वाली स्त्री है तो इसलिए यहाँ पे प्रौपाद जी कहते हैं कि पवित्र स्थल का युद्ध ये आ, एक उदाहरण प्रौपाद जी इस तात्पर्य में देते हैं श्लोक के कि जिस प्रकार कोई खेती करता है तो जो जो अनावश्यक जो पौधे आते हैं जब कोई सिंचन देता है तो भी जल का सिंचन जब करता है जो पौधों पे जो अच्छे अच्छे पौधे पौधों जो धान जो अनाज होते हैं तब उसके साथ साथ जो अनावश्यक पौधे भी आ जाते हैं जो काट काटों के झाड़ वो भी आ जाते हैं तो उसको निकालना बहुत आवश्यक है नहीं तो क्या होता है जो तो पोषण जो है जो पोषण जो प्रदान कर रहा है जो खेती में तो वो वो लोग ले लेंगे जो अनावश्यक पौधे वो पोषण ले लेंगे और जो अनाज है अनाज जिससे उत्पन्न होने वाला है वो पौधों को कुछ नहीं मिलेगा उसी प्रकार जिसे उन जो अनावश्यक पौधों को निकालना है उसी प्रकार भगवान क्या कर रहे हैं इस युद्ध के द्वारा चौसठ करोड़ जीव ने इसमें भाग लिया है ऐसा युद्ध है जो ऐसा भीषण युद्ध होने वाला है जिसमें जो अनावश्यक व्यक्तियों व्यक्ति हैं उनको सभी को निकालने वाला है इस संसार से और धर्म का संस्थापन करने वाले हैं तो इसलिए यहाँ पे ये भगवदगीता का जो सीन सेट किया गया है वो युद्ध का है क्योंकि अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है अगर कोई वार्तालाप कर रहा है जैसे मैं ऑडियो में अभी वीडियो में बोल रहा हूँ तो इतना सीरियसनेस नहीं आता है पर मान लीजिए अभी अब मृत्यु निकट है हम युद्ध भूमि में अगर हम कुछ सीरियस चर्चा कर रहे हैं तो उसको क्या होता है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है क्यों क्योंकि जीवन और मृत्यु का प्रश्न है यहाँ पर तो इसलिए भगवान कृष्ण ऐसे सीन को चुनते हैं जिसमें भगवदगीता बोली जाए दूसरा श्लोक संजय उवाचा दृष्ट्वा तो पांडवानी कम व्यूढ़ दुर्योधन स्ताह आचार्य मुपसंम्य राजा वचनम अब्रबित संजय ने कहा हे राजन पांडुपुत्र द्वारा सेना की रचना देखकर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे तो ये फिर से एक बार यहाँ पे आप श्लोक में देखेंगे ये एक शब्द है राजा वचनम अब्रबित इस श्लोक में दिया है राजा कहा है दुर्योधन को आप देखेंगे तो दुर्योधन राजा तो बना नहीं है कभी तो उसको राजा क्यों कह रहे हैं इसलिए राजा इसलिए शब्द का प्रयोग किया गया क्योंकि वह राजनीति करने में निपुण है शुरू से ही राजनीति करने में निपुण है कैसे मैं राजगद्दी को प्राप्त करूं कैसे मैं अपने पिताजी को उल्लू बनाऊं कैसे मैं भगवान कृष्ण को बंदी बना सकता हूं कैसे मैं भीम को विष प्रदान करके उनको मार सकता हूं कैसे मैं पांडुवों को लाक्षाग्रह में जला सकता हूं तो ये सब राजनीति करते आए हुए हैं और आगे भी अभी युद्ध में भी राजनीति ही करने वाले हैं कोई नैतिकता से लड़ने वाले नहीं हैं तो दुर्योधन राजनीति करने में निपुण है इसलिए अभी आप देखेंगे आगे के जो श्लोक में उसमें भी उनकी राजनीति के जो गुण है उनका वो उसमें दर्शाता है विश्वास नैव कर्तव्य राजकुलेश शास्त्र कहता है नीति शास्त्र कहता है कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए जो राजनीतिज्ञ व्यक्ति हैं आज ये पार्टी में तो कल वो पार्टी में जहाँ पे उनको सीट मिलेगी वहाँ पे जाएंगे उसी प्रकार दुर्योधन राजनीति कर रहे आर, करते आ रहे इसलिए भगवान कृष्ण ने कभी भी उन पर पूरा विश्वास नहीं किया क्योंकि द्वेषित है तो राजनीति करने वाले हैं इसलिए उनको यहाँ पे दुर्योधन का राजा कहा गया है यहाँ पे मंतव्य समझना चाहिए दुर्योधन का क्या है अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता नहीं करने जा रहे हैं तो संजय जो यहाँ पे राजा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं धृतराष्ट्र के सामने वो एक विश्वास दिला रहे हैं धृतराष्ट्र को तो कि जान लीजिए कि ये तुम्हारा पुत्र राजनीति करने वाला है वो नहीं छोड़ने वाला युद्ध भले ही धर्म क्षेत्र हो उसकी मन नहीं बनने वा बदलने वाला है वह तो युद्ध करने ही वाला है तो ये विश्वास धृतराष्ट्र को प्रदान कर रहे हैं अगला शोक पश्चिताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमु व्यूडाम ध्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता अभी दुर्योधन जो कहने वाला है पहला ही वाक्य वो क्या कहते हैं हे आचार्य पांडुपुत्रो ये किसे कह रहे हैं द्रोणाचार्य जी को पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है तो एक राजनीतिक झगड़ा हुआ था किसके बीच में द्रोणाचार्य और द्रुपद के बीच में द्रुपद जिनकी पुत्री है द्रौपदी और द्रौपदी का जो भाई है दृष्टदुम्न उसको इसलिए प्रकट किया गया था यज्ञ द्वारा ताकि वह द्रोणाचार्य का वध कर सके द्रुपद ने यज्ञ किया था द्रोणाचार्य यज्ञ को वध करने के लिए एक पुत्र चाहिए और वो पुत्र है दृष्ट और उसी दृष्टदम्न को किसने शिष्य बनाया द्रोणाचार्य जी ने शिष्य बनाया तो इसलिए दुर्योधन जो है वो क्या कर रहे हैं दुर्योधन उनको याद दिला रहे स्मरण करवा रहे हैं कि आपने जिनको शिक्षा प्रदान की थी ना वो वही व्यक्ति क्या कर करे व्यू रचना कर दिया है पांडव का पांडव का जो मिलिट्री जो <coughs> फैलेंसिक्स जो है मिलिट्री जो जो मिलिट्री का जो पोजिशन है वो किसने स्थित किया है किसने लगाया हुआ है वो दृष्टि तुमने लगाया वो आपसे ही सीख कर वो भी तो अभी आप दया ना दिखाएं अभी आपको युद्ध युद्ध तो अच्छी तरह से करना चाहिए दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहने के लिए सॉरी हाँ तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आ, और जो, जो दुर्योधन है वो कह रहे हैं कि आप उनको स्मरण दिलवा रहे हैं कि आपको अभी पहले ऐसे दया नहीं दिखाना है अभी आपने सिखा कि तो गलती कर ली तो अभी आगे आपको फिर से गलती भूल नहीं करनी है युद्ध में उदारता न दिखा दिखाइए ऐसे इतराष्ट्र करते हैं अगला श्लोक धिताचर्य द्रोणाचार्य को दुर्योधन कहते हैं कि आप उदारता न दिखाइए अगला श्लोक में अत्र शूर महेश्वासा भीम समायुधी ही युधान विराट महारथ इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर हैं यह महारथी युधान विराट तथा द्रुपद तो बहुत सारे महारथी हैं भीम और अर्जुन खास करके उनका विशेषता से नाम लेते हैं कि उनको पता है कि पांडव का जो असली बल है वो भीम और अर्जुन है अगर हम हार जाएंगे तो ये दोनों योद्धा हैं जब तक है तब तक हम जीत की आशा नहीं रख सकते <coughs> आगे दृष्ट के तुष्ची चीतान काशीराजश्च वीरवाहान पुर्जित कुभोज शरपुंगव तो और सारे नाम लेते हैं इनके साथ ही धिष्टकेतु चेकिताना काचीराज पुरुजीत कुंतीभोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं तो बहुत सारे और भी जो शौर्यवान जो क्षत्रिय हैं उनके नाम दुर्योधन लेते हैं पिक पांडव के पार्टी में कौन कौन है मनुष्य विक्रांत तो उत्तम औजाश्च वीर्यवाहन सौभद्र द्रौपदिया महारतः तो बहुत सारे महारथी हैं कहते हैं परक्रामी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तम औजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी हैं तो सभी महारथी का वर्णन करता है कि इनको साधारण नहीं समझना चाहिए इनसे युद्ध हमको लड़ने के लिए बहुत शक्ति से लड़ना पड़ेगा क्योंकि सभी महारथी हैं ये तो ये दुर्योधन कहते हैं फिर दुर्योधन कहते हैं अस्माक विशिष्टा ये निबोध दुझत्तमा नायका मम सैन्य संज्ञा थर्ता किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ अभी उनके पार्टी के मैंने बताया बारे में कौन कौन है पर अभी हमारे पार्टी के अभी सुनिए कि आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है तो अभी उनके महारथियों के बारे में बताया था अभी हम हमारे महारथियों के बारे में बताएंगे ना हम भी क्या कुछ कम है हम भी किसी से कम नहीं है तो आगे बताते हैं भवान भीष्म कर्णश्च कृपश्च समित जय बचा तो मेरी सेना में कम है स्वयं आप हैं तो पहला किसका नाम लेते हैं द्रोणाचार्य हालांकि देखा जाएगा तो द्रोणाचार्य से भी श्रेष्ठ कौन है भीष्म पितामा भी है तो अगर देखा जाएगा तो भीष्म पितामा भी का पहला नाम लेना चाहिए पर यहाँ पे द्रोणाचार्य के लेते हैं क्योंकि वर्ण में द्रोणाचार्य श्रेष्ठ हैं द्रोणाचार्य ब्राह्मण वर्ण के हैं और भीष्म जो है वह क्षत्रिय वर्ण के हैं जैसे मैंने पहले कहा था जिसके बारे में प्रकाश डाला था कि दुर्योधन जो है राजनीति करने में बहुत निपुण है तो ये राजनीति वाले शब्द है एक राजनीतिज्ञ जैसे शब्द का प्रयोग करता है किसी को कैसे उनको बहलाना है किसी को कैसे अपनी तरफ करना है ये वो कर रहे हैं प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पे दोनों चारों कह रहे हैं कि मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म कर्ण कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण तथा सौमदत्त का पुत्र भूरी आदि है जो युद्ध में सदैव विजयी रहे ये कभी भी हारे नहीं है पर आपको समझना चाहिए कि ये हारे हुए हैं अर्जुन ने इन सभी को हारा है विराट नगर का जब युद्ध था विराट नगर के लिए जब अर्जुन बृहनला का वेश त्याग करके जब बाणों की वर्षा कर रहे थे तभी सभी कौरवों को उन्होंने परास्त किया था तो ये दुर्योधन ये भूल जा रहे हैं या फिर से वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं ये उन वही जानते हैं तो हार चुके थे पहले अर्जुन से अर्जुन जैसे शक्तिशाली शक्तिशाली योद्धा से तो इसमें वो कहते हैं कि वो सदैव विजयी रहे तो द्रोणाचार्य का नाम लेते हैं भीष्म जी का नाम भीष्म का नाम लेते क्योंकि पूरा विश्वास है अगर जब तक भीष्म है तब तक हमारा पक्ष भारी ही रहेगा क्योंकि भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान है और द्रोणाचार्य के भी जब तक द्रोणाचार्य जी के हाथ में अस्त्र है तब तक उनको कोई हरा नहीं सकता तो ऐसे सब योद्धा जब है तो दुर्योधन को बहुत ही कॉन्फिडेंस है कि हम भी हारने वाले नहीं हैं हारने वालों में से नहीं हैं तो इसलिए और कॉन्फिडेंस से वो कह रहे हैं अन्य और, और एक चीज़ इसमें है यहाँ पर लिखते हैं कि मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म कर्ण अब आप इसमें आश्चर्य की बात ये है कि वो कर्ण का नाम ले लेते हैं और अगर आप महाभारत पढ़े हैं या महाभारत सुने हैं उसमें आप देखेंगे कि पहले दस दिन अठारह दिन ये युद्ध चला था पहले दस दिन में जो कमांडर था जो सैन्य को कंट्रोल कर रहा था वो कौन थे भीष्म थे कमांडन चीफ भीषमत है पहले दस दिन के लिए फिर बाद में आगे के पाँच दिन के लिए द्रोणाचार्य जी पाँच दिन के लिए थे कर्ण सिर्फ दो दिन के लिए थे शैले आधे दिन के लिए थे और अश्वत्थामा आधे रात के लिए थे रात के लिए थे आधा दिन और इनका रात तो पूरे मिलेगा अठारह दिन में तो भीष्म दस दिन के लिए कमांडर रहे तो फिर द्रोणाचार्य और करण सिर्फ दो दिन के लिए थे तो फिर भी यहाँ पे दुर्योधन आप देखेंगे कि नाम ले रहे करण पूरा विश्वास है उन पर करण उनमें मन में है कि अगर अर्जुन को कोई परास्त करे वो करण है पूरे मन में उनके लगा पर वहाँ पर युद्ध में आप देखेंगे कि करण युद्ध में पहले दिन नहीं थे वो अपने कैंप में बैठे हुए थे क्योंकि जब तक भीष्म पितामह हैं कमांडर रहेंगे मैं उनके पक्ष में युद्ध नहीं लड़ूंगा क्यों नहीं लड़ूंगा क्योंकि अगर युद्ध जीता जाएगा तो क्रेडिट किसको मिलेगा भीष्म पितामा को बोलेगा तो ये कर्ण की जो लघु चेतना है यहाँ पे दर्शाती है कि इतना शौर्यवान योद्धा है उनको उदार चरित्र दिखाना चाहिए था पर यहाँ पे क्या करते हैं वो भीष्म पितामह क्योंकि कमांडर इसलिए मैं नहीं आऊँगा जब तक भीष्म पितामह है तब तक जब तक भीष्म मर जाएंगे या वो युद्ध को त्याग करें तभी मैं आ जाऊँगा तो ये अट वहाँ पर रखता है पर फिर भी दुर्योधन को पूरा विश्वास है कि कर्ण जो है उनका साथ देने वाले इसलिए वहाँ पे ये कर्ण का नाम लेते हैं अन्य चहव शूरा मदर्थ त्यक्त जीवित नाना शास्त्र सर्व युद्ध विशारद ऐसे अन्य अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं यहाँ पे और एक विशेष आश्चर्य अश, की बात आप यहाँ पे देखेंगे कि दुर्योधन कहने कहने में ये कह लेते हैं कि ये सभी मरने वाले हैं यहाँ पे क्या शब्द आता है त्यक्त जीविता हाँ वो अपने जीवन को त्याग करने वाले हैं मेरे लिए मेरी मूर्खता के लिए मेरे जैसे मूर्ख व्यक्ति है उसके लिए क्या करने वाले सभी लोग क्या करने वाले अपने जीव को त्याग करने वाले हैं ये पहले ही कह देते हैं इसलिए यहाँ पे देते हैं उनको प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं वो कहते हैं रहने वाले हैं दूसरे शब्दों में शिल प्रोपा जी कहते हैं ये पूर्वनिश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे तो ये निस्संदेह उसमें कोई संदेह नहीं है इसमें कि ये सभी लोग मारे जाने वाले हैं अपर्याप्तम तद अस्माक बलम भीष्माभिरक्षित पर्याप्तम तिदमें तेषा बलम हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पिता माँ द्वारा भली बात ही संरक्षित है जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली बात ही संरक्षित होकर भी सीमित है तो यहाँ पे और एक आपको ध्यान देने जैसा है कि दुर्योधन सदैव क्या है प्रोपा जी कहते हैं तात्पर्य में कि दुर्योधन सदैव भीम से ईर्षा करता है, इसलिए वो भीम को क्या कर रहे हैं उसको कम बता रहे हैं और भीष्म को ऊपर की तरफ बता रहे हैं कि भीष्म का वर्चस्व बता रहे हैं पर इसमें कोई राय नहीं कि भीष्म जो है वो शक्तिशाली ज़्यादा शक्तिशाली है भीष भीम से भी क्योंकि वह गंगापुत्र है और उनकी भी शक्ति है जो जो तो ताकत है वो कई गुना ज़्यादा है भीम से भी तो ये बहुत बार कहा भी गया है महाभारत में पर फिर भी यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया गया वो अपर्याप्तम और पर्याप्तम तो पर्याप्त का अर्थ दो प्रकार के निकलते हैं एक तो सीमित पर्याप्त ना सीमित रहना लिमिटेड जिसे कहते हैं तो यहाँ पर अर्जुन दुर्योधन क्या कह रहे हैं कि जो भीम द्वारा जो रक्षित जो सेना है पांडव को सीमित है वो ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सकती कौरवों के जो कौरों की जो जो प्रभाव है जो कौरों का जो रक्षा करने वाले जो कमांडर है वो कौन है भीष्म है और भीष्म द्वारा रक्षित हुए इसलिए वो क्या असीमित है उनमें कोई तुलना नहीं है तो कौरों की सेना वैसे भी विशाल थी पांडवों से कुछ गुना ज़्यादा भी थी तो गिनती में आगे देखें कौरवों की सेना ज़्यादा भी थी और साथ में भीष्म उनकी रक्षा कर रहे हैं तो बहुत ही प्रभावशाली सैन्य उनका लग रहा था तो और एक उसका अर्थ जब हो जाएगा आचार्य जी गण कहते हैं कि पर्याप्त यानी सफिशियंट जितनी आवश्यकता है उतनी जरूरी जितने हैं उतना है इसे पर्याप्त कहते हैं कि मुझे पर्याप्त धन मुझे प्राप्त है उसी प्रकार ये पर्याप्त शब्द का प्रयोग अगर हम ऐसे करें कि पर्याप्त सेना रक्षित है भीम द्वारा क्या है बलम भीषमा भी रक्षितम अपर्याप्तम तदस्माकम भीषमा जो से जो रक्षा जो रक्षा की हुई जो सेना है वो अपर्याप्त है और भीम से जो रक्षित जो सेना है वो पर्याप्त है यानी क्या है भीष्म भले ही शक्तिशाली है पर क्योंकि उनका मन नहीं है पांडवों को मारना उनके युद्ध के लड़ने की उनका मन उनको फोर्स किया जा रहा है इसलिए वो जीत के भी हारे हुए हैं वो जी वो लड़ेंगे भी वो हारने के लड़ेंगे फिर और भीम जो है और पूरे क्रोध आवेश में बदले की भावना उनमें है कि जो अत्याचार उन पर हुए थे पांडवों पे उनका पूरा बदला लेने की पूरा कोशिश करने वाले वो और उन्हें प्रण भी लिया था कि सभी कौरों के जो पुत्र हैं सभी का वध अकेले करेंगे तो ये भीषण प्रण लेते हुए युद्ध में उतरे हैं इसलिए उनकी सेमा जो रक्षित है वो पर्याप्त है वो युद्ध जीतने के लिए पर्याप्त है आगे आनेशीषु सर्वेशु यथा अवस्थितः भीष्मेवा भी रक्षंतु भवत सर्व एवं ही अतएव सैन्यव्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामा को पूरी पूरी सहायता दें तो दुर्योधन कह रहे हैं अभी सभी का रचना करने के बाद अपने अपनी सेना की भी रचना बताने के बाद कि सभी जो जो बाकी लोग भी हैं वो कम नहीं है कुछ उनकी भी बहुत आवश्यकता है तो कृपा करके आप क्या करें क्योंकि भीष्म जी हैं वो युद्ध वृद्ध हो चुके हैं अगर वो एक छोर से युद्ध कर रहे हैं कोई पीछे से आकर अगर, अगर उनको कोई मारने की कोशिश करता है उनको रोक देता है तो, तो इसलिए आप चारों दिशाओं से उनकी रक्षा कीजिए तो दुर्योधन का पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्म देव की उपस्थिति पर निर्भर है तो दुर्योधन को पता है कि कुछ भी होना चाहिए अगर भीष्म पितामा मैदान में हैं अगर युद्ध भूमि में है तो युद्ध निश्चित है तो जीत निश्चित है जिस तरह उन्होंने प्रुपा जी और एक कहते हैं कि जिस प्रकार उनको पूरा विश्वास है कि भीष्म जी उनके लिए लड़ेंगे क्यों लड़ेंगे जिस प्रकार द्युत क्रीड़ा में जो उन्होंने असभ्यता का व्यवहार दर्शाया था द्रौपदी का वस्त्र छीनने की प्रयास किया था तो वहाँ पे भी क्या हुआ इतना याचनाएं करने के बावजूद भीष्म जी और द्रोणाचार्य जी ये सभी धृतराष्ट्र ये सभी जगत सभी लोग चुप थे तो इसी प्रकार दुर्योधन का पूरा विश्वास है पूरी श्रद्धा है उनको भीष्म पितामह की जैसे उस समय पे वह चुप हैं तो आज भी वह लोग चुप रहेंगे आज भी क्या करेंगे वो पांडवों के विरुद्ध लड़ेंगे द्रोणाचार्य जी हो तस्जनयन हर्षम कुरुवृद्ध पितामह सिंहदानाद विन ची शंखम प्रतापवान तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंक को उच्च स्वर स्वर से बजाया जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ तो क्योंकि दुर्योधन को और कॉन्फिडेंस जगाना था विष्णु जी को पता था कि दुर्योधन को थोड़ा डाउट है उन पर कि उनकी वो पांडवों को मारेंगे या नहीं मारेंगे इसलिए उनको फिर से उनको विश्वास दिलाने के लिए वो जोर से शंख का हंकार करते हैं ततः शंकाश्च भैरश्च गोमुखहा तो तो सह वा बहन स भवत तो जैसे ही भीष्म अपना शंख बजा देते हैं तो तत्पश्चात क्या होता है शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बजा बज उठे वह अमवेद स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था तो जैसे एक ने शंख बजा तो सभी लोग अभी शंख बजाने लगे पूरे पूरे जोश में एकदम सभी कौरव लोग ने अपना अपना शंख बजाना शुरू किया आप, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो शंख की जो वर्णन है कौरों का सिर्फ भीष्म पिता के शंख का वर्णन विशेषता रूप से किया गया है क्योंकि वह भक्त हैं भगवान के और बहुत ही शक्तिशाली योद्धा योद्धा है पर आप देखेंगे और ज़्यादा वर्णन नहीं किया है बल्कि पांडवों का बहुत सारे जो योद्धाओं के जो शंख बजाते हैं उनका वर्णन किया हुआ है क्योंकि पहले ही निर्धारित है क्योंकि भगवान कृष्ण उनके पक्ष में है युद्ध तो वही जीतने वाले हैं तथा श्वेते रहे महती महति सो माधव पांडव दिव्य शंखो प्रददमुतु हूँ दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए दिव्य शंख प्रद्मतु हूँ यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण जो शब्द का प्रयोग किया है दिव्य शंख बाकी जो कौरवों के शंखों को कोई दिव्य नहीं कहा गया है तो क्योंकि भगवान यहाँ पे वास कर रहे हैं भगवान और अर्जुन है तो जहाँ पे यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुधर है तत्र श्री विजयोभूतिर ध्रुव नितिर्मतिर्म भगवद गीता का आखिर में का जो श्लोक है उसमें संजय कहते हैं कि जहाँ जहाँ कृष्ण है जहाँ जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन है वहाँ पर क्या विजय निश्चित है तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुव नीतिर इसमें कोई संधि नहीं वो नीति वहाँ पर ही है धर्म वहाँ पे है क्योंकि धर्म का पक्ष ही लेने वाले हैं वह इससे विजय उनकी निश्चित है क्यों क्योंकि श्रीघ भी उनके पास है फॉर्च्यून जिसे कहते हैं लक्ष्मी भी उनके साथ ही है क्योंकि वहाँ पर नारायण है स्वयं तो इसे जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन है जहाँ जहाँ उनका जो ये जो कॉन्वर्सेशन है ये जो भगवदगीता का अध्ययन किया जाता है जो अध्ययन करता है उसकी सदैव विजय होती है तो यहाँ पे आगे देखेंगे यहाँ पे ये पहला श्लोक है जिसमें भगवान कृष्ण का वर्णन शुरू हो चुका है कि श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ उनका रथ भी कोई साधारण रथ नहीं है एक विशाल रथ है और उसमें क्या कर रहे हैं असीन कौन है कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए तो दिव्य शंख की ध्वनि हो चुकी है जहाँ भीष्म जी ने जब शंख बजाया मानो ऐसे शंख बजाया कि अभी हम सेवा के लिए मैं तत्पर क्योंकि भीष्म जो है भीष्म जी क्या है एक वीर रस का आस्वादन करने वाले हैं वो भले ही भगवान के भक्त हैं पर दूसरे पक्ष से लड़ना है क्योंकि भगवान चाहते हैं वो लड़ें जब तक कोई एक बड़ा योद्धे योद्धा नहीं होंगे तो वो दर्शाएंगे कैसे कि भक्त की विजय कैसी होती है भक्त कैसे बड़े बड़े योद्धाओं को भी परास्त कर सकते हैं तो इसलिए भीष्म को भगवान चाहते थे कि भीष्म वहाँ से सेवा करें उनकी युद्ध करके सेवा करें उन, उनसे विरुद्ध युद्ध करके सेवा करें इसे जिस प्रकार आरती में हम देखेंगे शंख बजने के बाद आरती प्रारंभ होती है सेवा भगवान की प्रारंभ होती है उसी प्रकार भीष्म अपना शंख बजा लेते हैं और अपनी सेवा प्रारंभ करते हैं और एक तरफ भगवान कृष्ण उनका प्रत्युत्तर देते हैं कि आप मैं आपकी सेवा स्वीकार करता हूं तो यहाँ पे भगवान शिव अपना दिव्य शंख बजाते हैं पांचजन्यम ऋषि केश देव दत्तम धनंजय महाशंकम भीम कर्मा वृकोदर है तो विशेषता यहाँ पे बताई गई है अति भे भोजी एवं मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रक नाम भयंकर शंख बजाया भीम कर्मा वृकोदर यहाँ पे कहा गया वृकोदर वृक व्रिक उदर जिनकी जठर अग्नि कोई साधारण नहीं है बहुत भूख लगती है उनको पर विषित भूख नहीं लगती बल्कि उनका कार्य भी बहुत अतिमानी होता है कोई साधारण मानव नहीं कर सकता है ऐसे महाभारत माफी थोड़ा सा कनेक्शन लूज होने की वजह से ये हुआ तो अति मानवीय करने वाले जो भीष्म जी हैं उनके द्वारा भीम है जो अति में इसलिए उनको ब्रिकोदर कहा गया है तो यहाँ पे आगे हैं अनंतम विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर हो नकुल सहदेव सुघोष मणि काश्य परमेश्वास शिखंडी च महार्टुम विराट सात्त्तिकी पराजिता द्रुपदो सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाह शंखा राजन पृथक पृथक युधिष्ठिर ने अपना बजाया सुघोष एवं महान धनुर्धर काशीराज परम शिखंडी दुष्ट दुमन विराट अजय द्रौपदी के पुत्र तथा महाभाव पुत्र आदि अपने शंख बजाए तो यहाँ पे इतने शंख बजाने का वर्णन इतना क्यों किया गया है पांडवों के जो योद्धा हैं उनके बारे में इतना वर्णन क्यों किया गया क्योंकि यहाँ पे निर्धारित है कि पांडवों की विजय निश्चित है लक्षणों से पहले ही ये सूचित किया जा रहा है कि कुरुवंश का भी नाश होने वाला है रोपत पर्पट में कह रहे हैं कि इनमें ये इतने नाम जो लिए गए हैं ये सभी भी प्राण गंवाने वाले हैं युद्धा में और साथ ही साथ पांडवों की विजय भी होने वाली है सगोषो धृष धृतराष्ट्र धातराष्ट्राणाम हृदयानी नि व्य धारयत नवश्च पृथ्वी चुमलो व्यनुनादयम इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायामान करती हुई धीतर के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी तो ये विशेषता है जब कौरव शंख बजा रहे हैं तो पांडवों के किसी के भी हृदय विदीर्ण नहीं हुए हैं पर यहाँ पे आप देखेंगे जब पांडव शंख बजाने लग गए तो क्या हुआ कौरव जितने भी कौरव थे उनका हृदय विदीर्ण होने लग गया हार्ट ब्रेक होने लग गया उनका जैसे मानो भी हार्ट अटैक आने वाला है उनको मरने युद्ध लड़ने से पहले ही मरने वाले ऐसी स्थिति उनकी होने लग गई थी क्यों ऐसे हुआ क्योंकि समक्ष कौन है श्वेतर महती सैंद स्थित हो श्वेत हये युक्तें महती संद्य स्थित हो माधव पांडव शैव कौन बैठे हैं माधव और पांडव अर्जुन है और माधव भगवान कृष्ण है इसलिए उनको भय लगने लगा क्योंकि अभी तो हम हारने वाले क्योंकि स्वयं कौन है सामने प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण है तो इस कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है गौरव का पूरा विश्वास होने लग गया कि अभी क्या है पांडव जीतने वाला है अथ व्यवस्थित दृष्टा कपि कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुद्य में पांडव ऋषिकेशम तथा वाक्य महीपते यहाँ पे कह रहे हैं कि उस समय संजय कह रहे हैं कि हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ हे राजन धीते के पुत्रों को व्यूक में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे यहाँ पे विशेषता क्या दी है कि अर्जुन की ध्वजा में अंकित क्या है हनुमान हनुमान का चित्र है तो जे क्योंकि ये विजय का प्रतीक है जिस प्रकार राम जी जब रावण से युद्ध कर रहे थे तो उनको सहायता किसने की हनुमान जी ने की हनुमान जी की हनु ऐसे ही पूरे लीला में अगर देखें कि हनुमान अगर नहीं होते तो ये युद्ध राम जी नहीं जीत पाते थे क्योंकि भगवान सदैव क्या करते हैं अपने भक्तों को क्रेडिट देते हैं निमित्त मातृ भव साव्य जैसे अर्जुन को वो क्रेडिट देना चाह रहे हैं अभी अर्जुन को भगवान क्रेडिट देना चाहते थे कि युद्ध तो भगवान से ही भगवान के कारण जीतने वाले पर क्रेडिट किसको अर्जुन के देने वाला है उसी प्रकार रामायण में भी क्रेडिट हनुमान जी को दिया गया था तो यहाँ पर हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वजा पे है यानी अर्जुन विजयी होने वाला है जहाँ पे हनुमान जी हैं जहाँ पे भक्त है वहाँ पे भगवान है जैसे ना हम वसा वैकुंठे योगिना हृदय शुवा त्रिष्ठा नारद यायती मद भक्त ना हम वसा वैकुंठ में वैकुंठ में वास नहीं करता भगवान कृष्ण कहते हैं योगी नाम हृदय नाम है योगी के हृदय में हूँ बहुत सारी तपस्या कर करें पर पे मैं उन, उनके पीछे नहीं हूँ यत्र गायंती मतभक्त तत्र तिष्ठा में नाराधा है जहाँ पर मेरे भक्त गुणगान करते हैं वहाँ पर मैं हूँ तो भगवान के भक्त हनुमान जी जहाँ पे है वहाँ पर राम जी हैं स्वयं राम भगवान कृष्ण हैं वहाँ पे और जहाँ पे राम है वहाँ पे सीता हैं सीता माता भी है तो लक्ष्मी भी है श्री भी है तो फॉर्च्यून जिसे लक कहते हैं वो भी अर्जुन के साथ हैं तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इस पर यही कहते हैं जहाँ पे भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनके नित्य सेवक हनुमान होते हैं तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहते हैं अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय करने का कोई भी कारण नहीं है अर्जुन उवाच तो अब तक हम देखेंगे कि पहला श्लोक धित राष्ट्र ने कहा था और फिर बाद में संजय धित को कह रहे हैं कैसे जो दुर्योधन और द्रोणाचार्य में क्या चर्चा हो गई है फिर दुर्योधन कैसे बता रहे हैं उनको कि रचना कैसी है पांडवों की हमारी व्यू रचना कैसी है और फिर संजय फिर से ऋषिकेशम तदा वाक्य में पते आ? आ, संजय मतलब धृतराष्ट्र को वही बता रहे कैसे शंख कौन कौन बजा रहा है कौन कौन क्या कर रहा है सभी युद्ध का बता रहे हैं तो अभी क्या कर रहे हैं अर्जुन अभी क्या कह रहा है वो बता रहे ऋषि केशम तदा वाक्यद महीपते सोयो मध्ये अर्जुन वाच अर्जुन अभी कह रहे कि सेनोरभ मध्ये रहापेम अच्छुता या वादेता निरीक्षेअ युद्धु काम वस्थिता कर्म सहयोध यम योस्मेणिमुद्द में यो हम ये तरे तरे मैं, मैं आगे का श्लोक बोल दिया इतना तक है कैर मैं स योद्धाव्यम यह अस्मिन रण समुद्र में इधर तक ये बाईस इक्कीस और बाईस लोके अर्जुन ने कहा है अच्युत कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले जिसमें मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे संघर्ष जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूँ तो यहाँ पे यहाँ पे आप देखेंगे अर्जुन क्या कर रहे हैं हे अच्युत कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले यहाँ पे विनम्रता भी है बस साथ, साथ क्या कर रहे हैं वो आदेश भी दे रहे हैं क्यूं? क्यों क्योंकि भगवान ने क्या किया है अपना स्थान क्या रखा है वहाँ पे एक पार्थ सारथी सारथिका वहाँ सारथी का स्थान रथ सारथी का स्थान अपने आप अप, अपने आप को चूज किया है कि हम रथ चलाएंगे और इसलिए अर्जुन क्या करता है कि उनको ऑर्डर दे रहा है हे अच्छुत आप कृपा करके जो रथ है वो मध्य में ले लीजिए मुझे देखना है कि कौन कौन इसमें सहभागी रहे कौन कौन व्यक्ति दुर्योधन जैसे क्रूर व्यक्ति का साथ देने वाले हैं ऐसे कौन कौन राजा हैं जिस प्रकार कोई क्रिकेट मैच में जब बैट्समैन जब क्रीज पे जाता है तभी वो फील्डिंग की पोजीशन देखता है कि कहाँ कहाँ पे फील्डर लगा है कहाँ कहाँ तो जब बॉलर बॉल डलेगा तो मैं कहाँ पर मैं हवे में बॉल मार सकता हूँ कहीं पर मैं कहाँ पर मैं बाउंड्री मार सकता हूँ तो ये सब वो निरीक्षण करता है तो इसी प्रकार यहाँ पे युद्ध से पहले क्या कर रहे हैं अर्जुन निरीक्षण कर रहे हैं कि कौन कौन योद्धा है किस किस पोजीशन में है वो तो उनसे लड़ना है तो कैसे उनको मारना है तो ये सब रणनीति तय करने के लिए अर्जुन कहते हैं कि भगवान कृष्ण को आप कृपा करके मुझे मध्य में ले चले तो यहाँ पर आप देखते हैं कि भगवान की ये वात्सलता यहाँ पर दिखती है कि कैसे भगवान अपने भक्तों के लिए अपनी भगवत्ता को त्याग करके अपनी भगवत्ता को त्याग करके भक्त की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं जिस प्रकार एक शुद्ध भक्त अपने भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर होता है उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं तो यहाँ पे भगवान का जो आनंद की सीमा है आनंद जो है उनको ज़्यादा आनंद तभी मिलता है जब वो भक्त की सेवा करता है पर भक्त कभी यही नहीं चाहता कि मेरी सेवा करें पर भगवान सदैव चाहता है कि भक्त की सेवा करें तो ये सदैव जो ये कॉम्पिटिशन चलती रहती है तो यहाँ पे हम देखेंगे सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने के लिए कोशिश में रहते हैं वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चुकते इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है यहाँ पे अच्युत कहा है जिसका कभी भी पतन नहीं होता कभी भी छूत नहीं होता उस व्यक्ति को अच्युत कहते हैं और वो है श्री भगवान और एक तरह से देखा है तो यहाँ भगवान तो कभी भी अूत नहीं होते हैं भगवान तो सदैव सचिदानंद स्वरूप में है वो कभी भौतिक योनि में जन्म नहीं लेते हैं वो कभी भी पदार्थ नहीं बनते हैं भगवान सदैव भगवान ही रहते हैं इससे वो अच्युत है अच्युतम और यहाँ पे इस संदर्भ में क्या है अच्युत यानी इसमें अच्युत क्या है कि भगवान जो है अपना जो वात्सलता है कि भक्त की सेवा करना उसको वो त्याग नहीं करने वाले हैं वो सदैव उनका जो जो नेचर है भक्त की सेवा करना वो सदैव रहने वाली है तो अभी भी वैसे इसलिए अर्जुन उनको क्या कह रहे हैं अच्युत योत्स्य नवेक्षे हम ये तेत्र समागत धातराष्ट्र से दुर्बुद्धे युद्धप्रिय चिक्र शिव मुझे इन लोगों को देखना देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्ध पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं तो अर्जुन कह रहे हैं ये कि यह भी यहाँ पे प्रभुपा जी कहते हैं कि यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का जिसका उसे सामना करना था अर्जुन को ये देखना था कि कैसी कैसी शक्ति समक्ष है अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहे थे यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे तो हालांकि यहाँ पे अर्जुन को पूरा विश्वास है इसलिए अच्छू तो कहते हैं कि उनको तो कभी पतन नहीं होने वाले ना वो दूसरों को पतन करने को ना वो अपने भक्तों को पतन होने देंगे तो सदैव साथ में रहने वाले हैं तो ऐसे भगवान जब साथ में हैं तो उनको कोई भय नहीं है विजय का पर साथ साथ वो अपना भी प्रयास करना चाह रहे हैं कि क्योंकि ऐसा नहीं कि भगवान सब कुछ कर लेंगे तो मैं कुछ नहीं करूँगा मैं तो सिर्फ सो जाऊँगा भगवान सब कुछ कर लेंगे नहीं तो यहाँ पे अर्जुन ये सिखा रहा है कि वो भी खुद अपनी रणनीति तय करना चाह रहे हैं वो भी अपना पूरा प्रयास करना चाहते हैं इस भगवान की सेवा में भगवान क्योंकि भगवान युद्ध चाह रहे हैं और भगवान को युद्ध जिताना है धर्म के लिए जीतना है तो मैं भी अपनी पूरी जान लगा दूंगा मैं भी पूरी अपनी रणनीति का प्रयोग करूँगा जिससे युद्ध जिताया जाए तो यहीं पर मैं विराम देता हूँ आज के लिए हम तेईस श्लोक पूरे किए हैं जो आगे के जो तेईस श्लोक है कुल मैं के फोर्टी सिक्स वर्सेस है इस फर्स्ट चैप्टर में छियालीस श्लोक हैं तो हम प्रयास करेंगे कि कल आ, अगले आ, जो एपिसोड का अगले, अगले पर्व में हम लोग लेक्चर में इसको पूरा करेंगे तो यही पे विराम देते हैं अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप अगले इसमें आप पूछ सकते हैं मुझे अगले जो लेक्चर होगा उसमें पूछ सकते हैं हरे कृष्णा श्री चैतन्य महाप्रभु की जय शिल प्रभुपाद की जय